पिछले महीने लद्दाख के 30,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये पूरे लद्दाख की 10% पॉपुलेशन है। ये सब एक जगह इकट्ठा होकर अपने हक के लिए लड़ने वाले आम लोग हैं। अपने हक के लिए लड़ने वाले सोनम वांगचुक, जिन्हें तमाम अवार्ड मिल चुके हैं अपने बेहतरीन कामों के लिए, ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स फिल्म में रेंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। ये पिछले 21 दिनों से लद्दाख के खुले आसमान में -50 डिग्री तक के तापमान में अनशन कर रहे हैं। इनके साथ साथ लद्दाख के आम लोग भी इस अनशन में भाग ले रहे हैं। बट ये अनशन है किस लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अनशन का कारण है लद्दाख के पर्यावरण की समस्या, डेमोक्रेसी की समस्या, और ये समस्या है लद्दाख के लोगों के अधिकारों की। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडियन मीडिया ने इस सबसे बड़े प्रोटेस्ट को कवर ही नहीं किया, और न ही किसी नेता ने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर ध्यान दिया। वैसे ही जैसे मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से 200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है, पिछले मई से ये स्टेट जल रहा है और अभी भी स्थितियां वैसी की वैसी है। और क्या आपने हसदेव के प्रोटेस्ट के बारे में सुना है? किसी मीडिया वाले ने या फिर सरकार ने इसके बारे में बात की है कभी? मीडिया वालों को तो एल्विश यादव की कार्स और घर के बारे में जानना है और उसकी गिरफ्तारी के वीडियोस और न्यूज दिखानी है। लेकिन क्या लद्दाख के लोगों की समस्या, मणिपुर के लोगों की समस्या और हसदेव की समस्या के बारे में कभी बात की है? आपको लगता होगा कि सोनम वांगचुक जी का मुद्दा लद्दाख के लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुद्दा पूरे भारतवर्ष के लिए जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लद्दाख के ग्लेशियर भारत की कई बड़ी नदियों के स्रोत है और ये ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। इसके पीछे दो कारण है, पहला ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा इस एरिया में जो इंडस्ट्रीज एक्टिविटी हो रही है उसके कारण। पहले कारण से निपटने के लिए सोनम वांगचुक जी ने दरखास्त लोगों से की कि लोग कंजम्पशन कम करें जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, और दूसरे कारण के लिए दरखास्त सरकार से है कि वो अपने वो वादे पूरे करे जो उन्होंने वोट लेने से पहले किए थे। आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक जी की ये मांग पूरी हो पाएगी या फिर ये भी दूसरी मांगों की तरह मांग ही रह जाएगी? ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।